वालेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं आप लोगों के टेंथ क्लास के उर्दू बुक का अगला चैप्टर चैप्टर नंबर नाइन है ये क्या नाम है हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर समझ रहे हैं हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार का मतलब क्या होता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के शिल्पकार जिसने हमारे भारत के संविधान को क्या किया सींचा बनाया क्या बोला जाता है भारतीय संविधान के निर्माता बनाने वाले कौन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कैसे देश को चलाया जाए ठीक है कैसे कायदा कानून संविधान बनाया जाए ये सब में जो मेन रोल निभाए थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसीलिए इनको क्या बोला जाता है हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता शिल्पकार ठीक है तो ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे हैं निबंध है किस पर यह निबंध लिखा गया है किस पर यह मजमून लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ठीक है बहुत लंबा चौड़ा मजमून है लेकिन उसमें से जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैं निकाल कर इसमें लिख दी हूँ बोर्ड पर और इसको चलिए समझ लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चलिए देखिए डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर जो थे ना वो अछूत और दलित जात के थे जिनका नाम था मेहार महार खानदान से महार जात के थे ये ठीक है पहले के ज़माने में क्या होता था सैकड़ों सालों से ये प्रथा चली आ रही थी कि जो नीचे जाति के लोग होते हैं दलित और अछूत जाति के लोग होते हैं वो ऊँचे जात के बराबरी नहीं कर सकते मतलब जो ऊँचे जात के लोग होते हैं ना वो अछूत और दलित जात को तो छूना तो दूर अपने सामने खड़ा भी नहीं होने देते थे मतलब अछूत जात को बहुत ही दबाकर और नफ़रत भरी नजरों से देखा जाता था दलितों को ठीक है उन्हें मंदिर में जाने का हक नहीं था कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते थे मतलब वो ना कोई अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे और ना ही कोई काम नौकरी कर सकते थे सिर्फ उनका काम था कि जो चप्पल नहीं होता है चप्पल को सिलना उसके बाद से रोड पर झाड़ू लगाना ये छोटी छोटी जो काम और इसी दलित जाति अछूत जात में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी क्या नाम था महार खानदान में उनकी पैदाइश 14 अप्रैल अठारह को हुई महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी ये याद रखिएगा और इनके वालिद का यानी कि पिताजी का जो नाम था वो था राम जी सकपाल बहुत ही अजीब व गरीब नाम है राम जी मालो जी सकपाल ठीक है आगे देखिए इनकी वालिदा का नाम था भीम भाई ठीक है और इनके दादा जी का नाम था मालो जी देखिए इनके दादाजी का नाम मालो जी और इनकी पिताजी का नाम राम जी, जी सकपाल ठीक है दोनों मैच कर रहा है और वालदा का तो यानी कि इनकी माता जी का नाम भीम भाई था ये क्लियर हो गई अपनी वालदी के चौदहवीं औलाद जिसे भीमा कहते थे मतलब ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना ये चौदह भाई बहन थे ठीक है फोटीन और ये लास्ट थे इनके औलाद थे सबसे छोटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक है और इन्हें भीमा बचपन में क्या प्यार से इन्हें क्या बुलाया जाता था भीमा कहकर क्योंकि ये भीम भाई के बेटे थे इसीलिए आगे देखिए राम जी सकपाल बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम और भीम की दो बरस की उम्र में फ़ौज से सब सबकदोस हो गए हुए किस अहदे पर थे वो वो थे सूबेदार मैनेजर थे ठीक है फ़ौज में सूबेदार मैनेजर थे और उनकी वहाँ पर नौकरी लगी हुई थी आगे देखिए भीमराव अभी दो ही साल के थे तो उनके जो वालिद हैं जो सूबेदार मैनेजर हैं उनकी क्या हो गई वो वहाँ से रिटायरमेंट हो गई उनकी और वो उस फौज के मैनेजर से क्या हो गए रिटायर हो गए सबक दोस्त हो गए ठीक है आगे देखिए खानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में जा बसे ये जो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इनका रिटायरमेंट हो गया इनके वालिद का यानी कि पिताजी का तो ये कौन से इलाके में चले गए कोंकण इलाके में चले गए और याद रखिएगा कोंकण जो इलाका है ना वो इनके दादाजी का है मतलब दादाजी वहाँ पर कोंकण इलाके में रहते थे ठीक है कोंकण के अंबावाड़ा अम्बावाड़ा गांव में ये इनके दादाजी मालो जी रहते थे तो ये लोग भी कहाँ चले गए कोंकण इलाके में चले गए और उसके बाद पाँच साल की उम्र में स्कूल में दाखला हुआ किसका हमारे भीमराव अंबेडकर का ठीक है जल्द ही वालिद को <laughs> सितारा में नौकरी मिल गई सितारा एक शहर का नाम है वहाँ पर उनकी नौकरी मिल गई और इस तरह ख़ानदान सितारा में चला गया अब कोकण को भी वो लोग छोड़ दिए अब सितारा में आ गए आगे है भीम राव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखला हुआ यानी कि भीम राव का क्या हो गया उनका एडमिशन हो गया कौन से स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल में कहाँ पर सितारा में ही ठीक है छह साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया यानी कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब छह साल के थे तभी उनकी माँ का यानी उनकी माता जी का इंतकाल हो गया वो इस दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर उनके पूरे परिवार का देखभाल कौन करता था तो उनकी माँ का बहन किया करती थी ठीक है मैं लिख बीली हूँ यहाँ पर बहन ठीक है आगे देखिए भीमराव को सर नेम अम्बावेडकर मिला ठीक है अम्बा वाडेकर सॉरी अम्बा वाडेकर मिला लेकिन स्कूल के रजिस्टर में अम्बेडकर लिखा करते थे यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर का सरनेम मिला था वो मिला था अम्बा वाडेकर क्यों मिला था क्योंकि उनके जो दादा जी थे मालो जी वो कोंकण इलाके के रहने वाले थे और कोंकण इलाके में कौन से गांव में रहते थे वो अम्बावाडे गांव में ठीक है और इसीलिए दादा जी ने दादाजी के गांव के अम्बावाडे नाम से इनका सरनेम दे दिया गया अम्बावाडेकर ठीक है लेकिन फिर भी ये भीमराव अंबेडकर अपना जो नाम रजिस्टर करवाया स्कूल में वो अम्बा वाडेकर ना करवा कर अम्बेडकर कहा मतलब लिखवा दिया और ये अम्बेडकर पढ़ना भी आसान है सिंपल और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया आगे देखिए अछूत के कड़वी सच्चाई का एहसास अब उन्हें होने लगा था मतलब उन्हें अब ये एहसास होने लगा था कि जो अछूत और दलित जात के लोग होते हैं बहुत ही मतलब उनको दबा कर रखा जाता है नफ़रत की और हकारत की नज़रों से देखा जाता है अब इन्हें इस बात का एहसास होने लगा था ठीक है आगे देखिए वालिद के सितारा वाली नौकरी ख़त्म होने के बाद उनका ख़ानदान बम्बई चला गया यानी कि मुंबई चला गया सही बात है उनके जो पिताजी थे वो सितारा में नौकरी करते थे उनकी नौकरी ख़त्म हुई तो वो कहाँ चले गए मुंबई चले गए मुंबई में एल्फिश्टन हाई स्कूल का माहौल भीमराव को हकारत और नफ़रत भरी नज़रों से देखते थे मतलब बम्बई में ही उनका एडमिशन हो गया कौन से स्कूल में एल्फिस्टन हाई स्कूल में ठीक है और वहाँ का जो माहौल था वो भीमराव अम्बेडकर के लिए सही नहीं था वहाँ वो भीमराव अंबेडकर जो थे ना वो महार जाति के थे जो कि क्या है वो भी एक अछूत और दलित जाति है तो वहाँ पर वो जाते थे तो वहाँ के स्कूल के बच्चे अलग अलग स्टूडेंट और यहाँ तक कि उनके टीचर भी क्या करते थे भेदभाव करते थे जात पात को लेकर भीमराव अंबेडकर को और इनका मजाक उड़ाया जाता था लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर जो थे वो खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करते और बर्दाश्त करके उन्होंने पढ़ाई की दिल लगा कर खूब मेहनत की उन्होंने और उन्नीस सौ आठ ईस्वी में मैट्रिक पास कर लिया ठीक है जब मैट्रिक पास कर लिया तो ऐसा पहली बार हुआ था कि दलित और अछूत जात के का कोई स्टूडेंट है जो मैट्रिक पास कर लिया था तो उस वक्त जब उन्होंने मैट्रिक को क्रैक किया था तब उस वक्त बहुत बड़ा जश्न मनाया गया था कि एक दलित जात का स्टूडेंट क्या किया है मैट्रिक पास कर लिया है ठीक है अब एल्फिशन कॉलेज में दाखिला लिया एल्फिस्टन हाई स्कूल से निकल गए और एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया एडमिशन लिया और उन्नीस सौ बारह ईस्वी में बीए की डिग्री भी हासिल कर ली उन्नीस सौ बारह ईस्वी में बीए भी कर लिया और इसके बाद क्या हुआ बड़ौदा स्टेट से तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए ठीक है और माशियात से उसी यूनिवर्सिटी से एम ए किया ठीक है उन्होंने बड़ौदा स्टेट से तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए अमेरिका चले गए थे और मुआशियात से उसी यूनिवर्सिटी से एमए किया मुआशियात मतलब समझते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए कर लिया उसके बाद उन्नीस सौ सोलह ईस्वी में पीएचडी भी हासिल कर ली ठीक है उसी साल इंग्लैंड चले गए देखिए कहाँ कहाँ जाकर वो पढ़ाई की है अमेरिका में गए हैं इंग्लैंड में गए हैं फिर क्या हो गया लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और वहाँ इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करना शुरू किया ठीक मतलब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और लेने के बाद इकोनॉमिक्स में, में एम और बैरिस्ट्री करने की तैयारी शुरू कर दी ठीक है तैयारी स्टार्ट तो कर दी लेकिन क्या हुआ उन्नीस सौ सत्तर ईस्वी में उनकी तालीम और तरबियत रुक गई थोड़ी देर के लिए ठीक है क्योंकि उनके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो रुक गई फिर आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ तब तक यहाँ तक लीजिए फटाफट फट स्क्रीन अब आगे देखिए क्या हुआ जब हमारे भीमराव अंबेडकर की तालीम उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी में रुक गई थी तो वो अब हिंदुस्तान चले आए हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने क्या किया प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सी डी होम कॉलेज में मुलाजमत करना स्टार्ट की कर दी मतलब वो कॉमर्स के प्रोफ़ेसर और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने सीडी होम कॉलेज में नौकरी करना स्टार्ट कर दिया उनकी मुलाजमत लग गई और उन्नीस सौ अट्ठारह ईस्वी से लेकर उन्होंने उन्नीस सौ बीस ईस्वी तक क्या की वो जॉब की नौकरी की और उससे जो तनख्वाह मिला उनको जो मंथली मिला पैसा मिला उसे बचा कर रखा और उसी बचा कर रखने की वजह से उन्होंने उन्नीस सौ बीस ईस्वी में, में फिर इंग्लैंड गए और फिर उन्होंने जाकर वहाँ पर अपनी तालीम पूरी की जो बचा कुचा था उनका तालीम उन्होंने पूरी की क्या किया उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में एम एस सी किया और उन्नीस सौ तेईस ईस्वी में 1923 सौ ईस्वी में डी की डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद उन्होंने बैरिस्ट्री भी पास कर ली मतलब जो वो करना चाहते थे नॉलेज हासिल करना चाहते थे उन्होंने क्या की जॉब कर पैसा बचा कर क्या किया अपना नॉलेज हासिल कर लिया इंग्लैंड जाकर आगे देखिए क्या हुआ हिंदुस्तान वापस आ गए अब जब वो पूरी तरीके से एजुकेटेड हो गए पढ़ लिए तो फिर हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने अछूत समझी जाने वाली जातों में एक ज़बरदस्त इनकलाब लगाया पैदा किया ठीक है मतलब अब फिर वो अब हिंदुस्तान वापस आ गए अब ये जो अछूत शब्द का लेकर अछूत जात को लेकर जो भेदभाव था हिंदुस्तान में उस पर इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और एक तहरीक चलाई ठीक है उन्होंने अछूतों को तीन सलाह दी उन्होंने कहा इन तीनों बातों पर जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोगों को दिल व जान से अमल करना है ठीक है उन्होंने पहली जो सलाह दी वो ये दी कि आम इखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना पड़ेगा आप लोगों को मतलब उन्होंने बताया अछूत लोगों का जो बर्ताव था अब वो नीचे गिरा हुआ टाइप का भी हो गया था तो इन्होंने क्या कि आप लोग जो बर्ताव कर रहे हैं उसको ऊंचा उठाइए ऊंची जाति का अपना बर्ताव किसी से बात कीजिए पेश आइए ठीक और उन्होंने दूसरी जो बात बताई दूसरी सलाह दी वो था तलफुज सुधारना होगा यानी कि उन्होंने अछूतों को बताया कि आप लोग तलफुज सुधारी अच्छे से बात कीजिए ऐसे लगे कि ऊँची जाति के लोग बात कर रहे हैं तो उन्होंने दूसरी बात तलफुज सुधारने की कही और तीसरी जो सलाह दिया ख्यालत को नई ताकत देनी होगी आप जो ख्याल और जो सोचते हैं उसको ऊंचा उठाइए बड़े लेवल का सोचिए ठीक है थीके? ये तीनों बात उन्होंने अछूतों को बताई और वक्त आ गया था कि ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म किया जाए तब हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इस मतलब अछूतों को भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी बहुत बड़ा कदम उठाया था और इससे जो ऊंचे जाति के लोग थे ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नाराज़ भी हो गए थे ठीक है तो उससे क्या करना है डॉक्टर भीमराव तो उस तहरीक में कामयाब भी हो गए भेदभाव को ख़त्म करने में कामयाब हो गए और देखिए एक बात आप लोगों को याद रखनी है ये कि चौदह बरस की उम्र में वो पाँचवें दर्जे के तालब इम थे मतलब जब वो चौदह साल के थे तो पांचवे क्लास में पढ़ते थे ठीक है और उनके चौदह साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई नौ बरस की लड़की से जिनका नाम था रामाबाई ठीक है और रामाबाई का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शादी की वो ऊंची जात के तालीम याफ्तः ख़ातून से की मतलब ऊंची जात की तालीम मतलब उसके पास उस लड़की के पास नॉलेज ज़्यादा था तालीम याफ़त थी ठीक है उससे शादी कर ली और आगे चल कर, इन्होंने डॉक्टर भीम राव ने अपने क्या कर दिया जात को बदल दिया उन्होंने अपने क्या धर्म को बदल दिया बुद्ध मजहब उन्होंने कबूल कर ली ठीक है आगे देखिए पाँच दिसंबर उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी की रात जब वो सोने गए तो सोए ही रह गए मतलब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनका इंतकाल हो गया ठीक है तो ये हो गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डिटेल्स मेन मेन पॉइंट को मैं लिख दी हूँ बाकी सब बुक में तो ऐसे ही दिया है ठीक है चलिए देख लेते हैं इसका फटाफट क्वेश्चन आंसर मुख्तिर मुख्तिर तरीन यानी कि अति लघु उत्तरीय से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है भी... भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई लीजिए सबसे पहला सवाल वो कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए तो ये मैं शुरू में ही लिखी थी अभी तो मैं बोर्ड मिटा दी हूँ क्या लिखी थी मैं डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी उन अठारह सौ उन्नीस ईस्वी में कहाँ तो महू सेंट्रल इंडिया में ठीक है ये हो गया ठीक बोली हूँ जरा पीछे कर कर देख लीजिएगा दूसरा सवाल है भीमराव अंबेडकर के वालिदीन का नाम क्या था यानी कि उनकी माँ का नाम क्या था तो उनके माँ का नाम वो भी मैं मिटा दी हूँ भीम भाई था ठीक है तीसरा सवाल है भीमराव के वालिद फौज में किस अहदे से सबक दोस्त हुए यानी कि उनका अहदा क्या था किस चीज़ पर वो फायज थे तो वो सूबेदार मैनेजर थे ठीक है वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में वो सूबेदार मैनेजर थे ठीक है चौ चार नंबर सवाल है भीमराव की शादी किस उम्र में और किस से हुई तो ये लिख दी हूँ मैं चौदह बरस की उम्र में उनकी शादी किससे हुई नौ बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी ये लिख दीजिएगा पांचवा सवाल है बी ए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया तो सबसे पहले तो उन्होंने मैट्रिक एल्फिस्टन हाई स्कूल से पास की और फिर जब उन्होंने बीए का दाखिला लिया वो एल्फिशन कॉलेज में ले लिया ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया आंसर ठीक है छः नंबर सवाल है बुद्ध मज़हब में नरवान का क्या तसूर है तो बुद्ध मजहब में नरवान एक होते हैं जात उनका क्या तसूर है तो उनका ये है कि खुदा की उर्फान हासिल करना खुदा की नॉलेज लेना शिक्षा लेना उसका तसूर ठीक है आगे है मुख्तिर सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न स्कूल में भीम राव के तलबा और उस का सलूक क्या कैसा था मतलब वो भीम राव अम्बेडकर जो थे वो स्कूल में जाते थे तो उ, उनके मतलब स्टूडेंट्स और क्या बोला जाता है शिक्षक टीचर्स का स्वभाव कैसा था मतलब उसके साथ कैसे पेश आते थे तो यही इसका आंसर होगा कि स्कूल में भीमराव अंबेडकर के साथ जो उनके इस्टूडेंट थे तलबा और उसजा यानी कि टीचर्स उनके साथ भेदभाव किया करते थे जात पात को लेकर और उनका मजाक उड़ाया जाता था बेइज्जती होती थी ठीक है दूसरा सवाल है भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया तो ये भी मैं लिखी थी ना अभी तो मिटा दी हूँ भीम का ख़ानदान मुंबई जाकर इसलिए बस गया क्योंकि उनके जो वालिद थे पिताजी वो सितारा में उनकी नौकरी मिली थी और जब उन्होंने सितारा का नौकरी ख़त्म हुआ तो वो मुंबई चले गए ठीक है ये हो गया आंसर तीसरा सवाल है भीमराव की हसूल तालीम पर पांच जुमले लिखिए देखिए भले ही मैं बोर्ड को मिटा दी हूँ लेकिन मुझे याद हो गया है बताते बताते आप लोगों को ठीक है भीमराव की हसूल तालीम पर पाँच जुमले लिखना है तो भीमराव के एजुकेशन के बारे में लिखना है तो वो तो मैं बता ही दी हूँ पीछे वाले स्लाइड जो मैं मिटा दी हूँ उस पीछे कर कर वीडियो देख लीजिएगा और ये अभी यहाँ तक लिख लीजिएगा हासिल बेरिस्ट्री पास की यहाँ तक उनकी तालीम तरबियत के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने अपनी एजुकेशन को हासिल किया शिक्षा हासिल की चार नंबर सवाल है भीमराव अंबेडकर की आयनी खिदमत को मुख्तरा बयान कीजिए यानी कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने कैसे हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा उसमें किस तरह उन्होंने खिदमत की इसके बारे में लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा पाँच ही जुमले में लिख दीजिएगा हो जाएगा आंसर ये ये बड़ा बड़ा नहीं लिखना है छोटा छोटा लिखना है तवील आते हैं मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें सबसे पहला सवाल है भीमराव अंबेडकर की स्वाह लिखिए यानी कि भीमराव अंबेडकर का बायोग्राफी लिखना है उनका जीवनी लिखना है ठीक है तो उनके बारे में बायोग्राफी आप लोग लंबा चौड़ा कर कर लिख लेंगे तवील सवाल आते हैं तो लंबा आ, लिखना ही पड़ेगा दूसरा सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत का जायज़ा लीजिए वही वाला क्वेश्चन मतलब उन्होंने कैसे भारत हम लोगों के संविधान को बनाने में कैसे खिदमत की यही लिखना है ठीक है तीसरा सवाल है जो कि लास्ट सवाल है आज़ाद हिंदुस्तान के माशरती इनकलाब में अम्बेडकर की खिदमत पर रोशनी डालना है यानी कि जब हम लोगों का हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है हैं उनकी माशरती इनकलाब मशरती इनकलाब मतलब क्या होता है सोशल रिवॉल्यूशन मतलब सामाजिक क्रांति पर रोशनी डालना है उन्होंने कैसे खिदमत की हमारे हिंदुस्तान की उस पर आप लोगों को रोशनी मतलब विस्तार से लिख देना है तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट अभी मैं लिख कर नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को उस तरह लंबा वीडियो हो जाएगा मैं सोच रही हूँ हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से अपलोड हो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग ठीक है इस तरह मैं सोच रही हूँ आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ठीक रहेगा कि नहीं ठीक है वैसे तो मैं आप लोगों को बोल कर ही दे रही हूँ क्वेश्चन समझाई दे रही हूँ अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिखिएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस टॉपिक से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़ुदा हाफिज़